और नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं रानो गांव में और ये भैया का गांव है। भैया हमें जो है पूरा गांव भ्रमण कराएंगे। तो ग्वालियर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर गांव है और नदी पार करनी पड़ेगी और उसके बाद हम पहुंचेंगे रानो गांव। तो दिखाते हैं आपको ग्वालियर से रानो का सफर। यह ग्वालियर की सड़क और यहाँ पर हुआ करता था किसी जमाने पे परसारी आम। तो आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ से नीचे जाना है। आसू कैसा महसूस कर रहा है आप? अरे बहुत अच्छा। रानो इससे पहले गए हैं? हाँ गया हूँ पहले भी। किस काम के लिए? मैं गया था भैया अभी के साथ गया था यार। तो हम जा रहे हैं रानो। रानो में बहुत फेमस पांडव नृत्य हुआ करता था पहले। पांडव नृत्य होता था, बहुत दूर दूर से उसके शॉट ले जाते थे। और एक बार तो भैया ने भी कराया था, पहली बार जब उसकी शुरुआत हुई थी रानो गांव में। और चक्रव्यूह होता है बहुत बड़ा। चक्रव्यूह, हाँ चक्रव्यूह बोलते हैं। और हम पहुंच चुके हैं लगभग भटनगर के नीचे। यहाँ पे इस वक्त रेलवे का काम चल रहा है। ये पूरी रेलवे की साइट है जो भविष्य में हमें ग्वालियर स्टेशन दिखेगा, तो आपको इस शायद इसी रोड के ऊपर आना पड़े। नदी के किनारे जहाँ से रानो गांव की सरहद शुरू होती है। और ये हम आने वाले हैं रानो गांव के पुल के समीप। ये है रानो गांव फेमस पुल। अभी जमाने में एक पुल भी नहीं हुआ करता था और आज दो दो पुल हमें दिखाई दे रहे हैं कि दो पुल बन चुके हैं और लगभग लगभग दोनों पुलों से आवाजाही शुरू होने वाली है। कभी ज़माने में बहुत संघर्ष करना पड़ा गांव वालों को एक पुल के लिए और लगभग 15-20 साल की कड़ी मेहनत के बाद पुल बन पाया और आज उसी के समीप राही कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा दूसरा रेलवे का पुल बनाया जा रहा है और इसके बाद रेलवे का फ्लाईओवर भी बनना है, तो लगभग तीसरा पुल रहेगा यहीं पर। और हम ये रानो गांव के सरहद में आ चुके हैं। यहाँ तो पुल पार करके हम आ गए हैं कोखरी ब्लॉक में। रेलवे ब्लॉक से हम पहुँचे कोखरी ब्लॉक। ये है रेलवे की बैरिकेडिंग्स और यहाँ पे एक टनल बन रही है। रोज धमाके होते हैं यहाँ पे, है ना भैया? हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ पे लगभग पर डे ब्लास्टिंग हो रही है, जो मॉर्निंग में और इवनिंग में। और ये गाँव के बच्चे अभी अभी यहाँ से नहा के निकल रहे हैं बाहर। आज नदी में पानी भी बहुत गंदा है। नदी में पानी काफी मटमैला सा है, शायद कहीं ऊपर ग्लेशियर की बारिश हुई होगी या ग्लेशियर की सूखा होगा। तो रानो से पहले हम चलते हैं एक मंदिर में और जो एक अच्छी चीज सामने देखने को मिल रही है ये है अक्षरधाम शहीद कमांडो सुजन सिंह भंडारी मेमोरियल। ये एक विश्राम गृह है। सुरजन सिंह भंडारी जी के बारे में आपको भंडारी भैया बताएंगे। हाँ, सुरजन सिंह भंडारी हमारे साथ ही लगभग हमसे एक क्लास आगे पढ़ते थे, जो गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए और उसके बाद एनएससी कमांडो में अक्षरधाम में उनकी ग्रेनेड लगने से उनको काफ़ी लगभग 5-6 साल तक वो कोमा में रहे और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा यहाँ पे अपना सुरजन सिंह भंडारी जी का मेमोरियल बनाया गया है। ये है मेमोरियल और ये उनकी माताजी द्वारा यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है। गांव के क्रीड़ा स्थान है ये और यहाँ पे उनके द्वारा गांव वालों के सभी लोगों के लिए ये यहाँ पे गांव का। अब हम ले चलते हैं आपको गांव का जो पहला मंदिर है शिवालय गांव का, जो वर्ष 2013 के आपदा में बह चुका था। पुनः इसका निर्माण हमारे ही द्वारा करवाया गया ग्राम सभा के द्वारा। यहाँ तो 2013 में आपदा से सिर्फ केदारनाथ वैली ही नहीं, बद्रीनाथ वैली भी काफ़ी अफेक्टेड थी और काफ़ी ऊंचा जल स्तर पानी का था,
तो घाट के आसपास जितने मठ मंदिर हुआ करते थे सब में कुछ ना कुछ क्षति पहुंची थी। ऐसे ही एक मंदिर हमारे रानू गांव का था जिसको जो है ग्राम सभा द्वारा बनाया गया। हेलो दोस्तों, हम हैं अभी ग्राम सभा रानो के शिवालय में जो 2013 की आपदा में बह गया था और पुनः उसका 2013 में ही निर्माण कर दिया गया ग्राम सभा के द्वारा और यहां पे प्रतीक्षालय बनाया गया है और मंदिर बनाया गया है जो हमारा शिवालय मंदिर है। और अच्छी खासी सैर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं उस मंदिर में जहां हम आना चाह रहे थे और भैया हमारे बताएंगे वे किस चीज़ का मंदिर है। ये राहुल देवता का मंदिर है। अच्छा। और बहुत प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की एक खास विशेषता है हेलो दोस्तों, अब हम हैं रानो के दूसरे मंदिर में जहाँ पे हमारा राहुल देवता का मंदिर है और ये नदी किनारे है। इन्हीं का एक दूसरा मंदिर हमारे गांव में मल्ला रानो है जहाँ वहाँ पे भी है और ये हमारे गांव का नहीं रानो क्वेंटी कांडा और तोली गैलुंग और सारी हम सभी गांवों का सामूहिक मंदिर है जिसमें लगभग प्रति शनिवार और मंगलवार को यहां पे पूजा होती है।
दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रैना के एक और मंदिर में, और ये जो रास्ता है ये बहुत ही ब्रेकिंग डांस वाला रास्ता है। अभी हमारा आज का चौथा मंदिर है। हेलो दोस्तों, अब हम हैं ग्राम सभा रानो के तीसरे मंदिर में, जो कि हमारे गांव का भूनाल देवता चावल देवता मंदिर है, और आज हम आए हैं यहाँ पर पूजा करने। हेलो दोस्तों, ये हमारा गांव दिख रहा है रानो, और जहां हम अभी खड़े हैं ये मल्या रानो है और वो मुल्या रानो है, और इस गांव से रोड भी जा रही है, ये खेत भी है।